ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਉਰਾ ਲੈਣ ਵਗੜੇ ਆ। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना का जो डाकखाना रोड पड़ता है, यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं जो सरकारी डिपो है, यहाँ पर खाद मिलने वाला था और सुबह से यहाँ पर किसानों की लाइन लगी हुई है और ये जो डिपो है ये बंद था। अब किसान जब मैं पहुँचा हूँ, ये डिपो जब खोला है और किसानों का कई प्रकार की परेशानियाँ वो झेलनी पड़ रही है। और साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, जिस प्रकार से खाद की जरूरत है उसके साथ में ज़बरदस्ती दवाई दी जा रही है जो इनको ज़रूरत नहीं होती, और ब्लैक में भी किया जा रहा है ऐसा कुछ किसानों की तरफ से बोला जा रहा है। हाँ जी, कौन से गाँव से आए हो जी? सुंदरपुरा से जी। कब आए थे जी? सवेरे 6 बजे जी। अच्छा जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ खाद लेने में? यहाँ खाद लेने 10:30 बजे यहाँ आए हैं जी। अच्छा जी, उस टाइम से लाइन में खड़े हैं। अच्छा, फिर ये पुलिस वाले बुलाए हैं, फिर उसके बाद आधार कार्ड लेने लगे। ये पता नहीं है, खाद पूरा नहीं है इनके पास? खाद पूरा है जी। अच्छा जी, फिर क्या कारण है जी? पता नहीं जी, गाड़ी के देखा उड़ा है उस पर स्टेशन पर वो खड़े, आप देखा हो तो सामने। मतलब खाद तो पूरा है, दे क्यों नहीं रहे जी? कारण वो तो दे रहे हैं, ब्लैक दे रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, 1200 पट्टे आए थे, आते अभी आए हैं जी। अच्छा जी, मेरे पकड़ता आज ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, लोग जी सवेरे 5 बजे खड़े हैं, इनको 9 बजे तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। हाँ, तो ये मतलब लोगों की ब्रांड बांटी थे मतलब। तो ये डिपो हर रोज खोलते हैं या कभी कभी खोलते हैं जी? सरकारी डिपो जो सरकारी, तो जब खुलते हैं, जब सर खाद आता है तो खोलते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, हाँ। आज खाद आया है तो ये सुबह खोलने का इसका फर्ज बनता है? खोलना चाहिए था, 9 बजे खोलना चाहिए था। खोला इन्होंने 11 बजे। और क्या क्या दिक्कत आ रही है? जैसे दवाइयाँ पर बताइए, दवाइयाँ लगा रहे खाद के ऊपर है जी। जिस तरह 1200 कट्टे आए थे, 1200 कट्टे आए थे, आज 700 कट्टे बता रही है, 500 कट्टे तो इन्होंने बेच दिए। वो कैसे बेच दिए? वो ट्रक बाहर के बाहर ब्लैक पे, यहीं के किसानों के, बाहर के किसानों, यहीं बाहर के किसानों को। अच्छा जी, दलालों को तो यहाँ किसानों का आता है ना? हाँ, माल किसानों का आता है, बेचते दलालों को। अच्छा जी, अच्छा, इसमें ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए इसको ज्यादा रेट पे बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काला बाजारी हो रही है खाद में, किसानों को किस प्रकार से ये जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है, काला बाजारी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है खाद को, जो किसानों को दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें भी काला बाजारी की जा रही है। 350 कट्टा दें जी, दवाई लग है साथ में, दवाई, लेकिन दवाई आपको जरूरत नहीं है तो नहीं जी, जो चल लठाई लेनी पड़ती है जी, मजबूरी में लेनी पड़ती है। कानून जारी सरकारी, हम सरकारी लेवा तो 268 रुपया कट्टा पड़ा है हमारे। अच्छा, तो हमें ब्लैक में ले वहाँ, तो हमारा दवाई भी ठोकी जा रही है जबरदस्ती, तो 350 का हमारा कट्टा लगा हुआ है। तो क्या लगता है ये जो डिपो वाले करते हैं, सरकार बेचती थी दवाई? ये सरकार कर रही है जी, सरकार कर रही है। कारण क्या सर, पहले भी होता था ऐसा कुछ? नहीं जी, पहले इतना नहीं था जी, अब हो रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती जी, ब्लैक में बेच रहे हैं 350 रुपया कट्टा, साथ में दवाई दे रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या नाम है इसके मालिक का जी? मालिक अब खाद मिलेगा? अब ठीक नहीं मिल रहा सर, मतलब कि जैसे आपको कितने कट्टे की जरूरत है? आधार कार्ड सर, मैंने तो 2-3 कट्टे की जरूरत है सर। जैसे पूरे मिल जाएंगे आपको? उम्मीद नहीं है सर, कुछ भी नहीं बता चलेंगे, सारे नगर मिलेंगे। लेकिन बताया जा रहा है पूरा माल आया हुआ, 3-4 ट्रक पर आए हुए हैं, ब्लैक हो रहा है, तो पूरा माल आता है ना, पूरा दलाल हो रहे हैं, दलाल कर रहे हैं। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं भाई साहब? सरकारी अफसर ही मिलेंगे, सरकारी अफसर ही मिलेंगे, और कमीशन है मेरे भाई सारे का, कमीशन है भाई साहब, सिस्टम सारा ओके हो रहा है, सारे एजेंट हो रहे हैं, सारे दलाल हो रहे हैं। अच्छा, मिक्स है, मिली वक्त सरकार हो रही है। दिक्कत ना हो जी, दिक्कत ना हो, हमारी तो कैंच बैठ ली, दिक्कत आ यार, हमारी तो ब्रांड माटी हो रही है, 15 दिन हो गए मेरे यार, 4 बजे का क्या करा बता, सही बात है। सुबह 7 कौन सा काम भाई का? भाई मैं खानपुर का हूं, खानपुर का। कब आए थे आप? 20 दिन हो रोजे आऊं रे भाई, रोज खाद मिल जाएगी, खाद मिल जाएगी, खाली जावे, खाली जाऊं, रोज का काम हो रहा है, घर के भी गाली देने लायक मेरे भाई। एक तो दो वोट गिरा कभी, फिर दो एक वोट तो मेरा जी तो एक भी नहीं करता, एक भी नहीं करता, ब्रांड माटी हो रही है मेरे भाई, तगड़ी जमा चीज अभी है। और डिपो वाले भी, इनसे भी बात करेंगे, क्या कारण है, ब्लैक में क्यों दिया जा रहा है, जब 3 वहाँ पर ट्रक आए हुए हैं खाद के, तो कम क्यों दिया जा रहा है, और ब्लैक है, और साथ में दवाई क्यों दी जा रही है, इनसे ये भी बात करेंगे। प्रशासन के सदस्य वो भी आए हुए हैं, और किसान है जो यहाँ पर बैठे हुए इंतजार में कि कब मेरा नंबर आए और कब इनको खाद मिले, जो किसान को जरूरत होती है, जो इसके मालिक है, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर ये कह रहे जी खाद तो पूरा आता है, लेकिन उसके बाद ब्लैक होता है जी खत्म होगा, क्योंकि 700 कट्टे बाहर से ब्लैक करते हैं, 500 यहाँ रखते हैं, ऐसा कुछ किसानों की तरफ से ऐसा है?
840 कट्टे आए हमारे पास, 840 कट्टे हैं ही काट के जब आराम करेंगे। सभी को एक एक आदमी को पूरे रेट पे माल मिलेगा, सबको लाइन वाइज नंबर दे रहे हैं, पाँच पाँच कट्टे दिए जा रहे हैं। जैसे डिपो अभी आपने खोला, सुबह 8 बजे आपने खोलना चाहिए था, ऐसा है हमारा 10 बजे का टाइम है, हम 10 बजे 9:30 बजे आगे थे, भीड़ को देखते हुए पुलिस को बुला के हमने, अकेला मैं कर्मचारी हूँ यहाँ पर, हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है, उसके बावजूद दो आदमियों की प्राइवेट की हेल्प लेके मैं इसको मतलब वो कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ। ये प्राइवेट आदमी है, ये मैंने अपने पैसे लगा रखे 6,000 रुपये महीना, इनको बुला के और इनकी हेल्प करके जब कर रहा हूँ, मेरा ये फ्रैक्चर हो गया था 4 दिन से। चलो वो तो सर ऐसा है, सरकार का काम तो करना पड़ेगा, आपकी तरह तो कुछ करना पड़ेगा, हम 9:30 बजे के यहाँ बैठे हैं। अच्छा मेरे को एक और बात सर, दवाई कह रहे जी, दवाई जबरदस्त आपके सामने आप यहाँ बैठे हैं, किसी को दवाई दी है उस दिन आए गए थे आप, उस दिन दवाई दी हो, अब कोई दवाई दी हो? अब जैसे ये दवाई है मेरे ख्याल में, ये दवाई नहीं है, नैनो यूरिया है, ये नैनो यूरिया इस यूरिया से भी बढ़िया है। अच्छा, ये धक्के से नहीं दे रहे, कोई मांगे तो देते हैं। ₹100 एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं, साथ में दवाई दी जा रही है, ऐसे सभी किसानों ने बोला जी। ऐसा है, इनका कहने से कुछ नहीं होता, हम किसी से है ना पैसे फालतू लेते ना किसी। अच्छा जो कट्टा वो कितने रुपए का दे रहे हो आप? 266.50 रुपये का कट्टा है। अच्छा जी, हाँ। और ब्लैक में कितना बेच रहे हैं? हमने क्या पता, वो तो प्राइवेट का काम है, हमारा तो रेट है ना, ये पोस मशीन पे अंगूठा लगा के ये बेच रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे एक बंदे को 4 कट्टे चाहिए तो उसको कह रहे जी 5 कट्टे दे रहे हैं। अरे जी मैं 3 दिन से यहीं पर खड़ा हूँ, मिल नहीं रहा। अरे अब तिरते तो 1,100 बीमार वाली, हमारे पास 4,200 कट्टे आई थी बुधवार को, कल तक वो कट्टे बेचे हमने, कल तक। तो क्या मतलब किसानों की तरफ से आरोप गलत लगाए जा रहे हैं जी? ये ऐसा है, जो आदमी मान लो रह जाता है 840 कट्टों के बाद जो रह जाएगा, वो तो आदमी यही कहेगा मुझे मिला नहीं। तो आप देख सकते हैं ये डिपू है भाई, जो किसान है इन्होंने सर ये कह रहे हैं कि दवाई कोई नहीं देता जी, दवाई देवे? हाँ दे रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुँचे हुए, दो प्राइवेट भी रखे हुए हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि यहाँ पर जो 840 कट्टे वगैरह आए थे, नहीं 840 कट्टे आए हैं और वो हर किसान को जितनी जरूरत है उतनी दिए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासन के सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। ताई जी ने बताइए कौन सा काम था? कारण यू है ब्लैक में बेचा है, जो दाई बाई की दुकान हुए काटरी है पर्ची, अच्छा उनका से आपका पर्ची कटा हुआ है। अच्छा साहब, ये भाजपा सरकार की साजिश है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ सुबह 5:30 बजे से लाइन में खड़े हैं, कोई भी कर्मचारी हमारी मांग नहीं टाइम पर सुन रहा, हर तरफ से किसानों को कोई भी खाद बीज दवाई टाइम पर नहीं मिलती, ये भाजपा सरकार की साजिश है। ये बता दूं कि ये 2024 जो आने वाली है ना, ये भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। हर वर्ग दुखी है, हर जाति, हर रविदास या समाज हो या वाल्मीकि समाज हो या कोई जाट समाज हो, हर एक समाज दुखी है इस सरकार से, खाद नहीं मिलता ना बीज न दवाई, जीरी में कीड़े लग गए बड़े हैं भाई, ये बटे उरल है नवगड़े हैं। हाँ बोल, मेरा नाम करम सिंह है भाई, पूरी जड़ा भी है नहीं हरियाणा में, सारा पंचायत वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए।